सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कल वाला कंप्लीट माहौल है, सिर्फ ये शर्ट की जगह पे आ गई है टी शर्ट, बाकी वही कमरा, वही लाइट्स, वही शोर, वही सारा काम। मुझे उम्मीद है कि आप आज और मैनेज कर लेंगे बिकॉज कल से ये सब नहीं होने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक फ्रेश अपडेट है कि मैंने परचेज कर लिया है सैमसंग गियर S3 स्मार्ट वॉच को। इसकी अनबॉक्सिंग आपके लिए लेके आऊंगा बहुत ही जल्दी और आपको बताऊंगा कि ये कैसी स्मार्ट वॉच है अगर आप इसको परचेज करने वाले हैं। और दुबई में मुझे मिल गई है बहुत सस्ती अगर आप कंपेयर करेंगे इंडियन प्राइसिंग के साथ में। दोस्तों यहाँ पर जो सारा अपडेट है वो आता है पेटीएम की तरफ से। दोस्तों चल रहा है कुछ स्मार्टफोन का सेल वाला ऑफर जहां पे आपको बहुत सारे फोन्स मिल रहे हैं काफी सारे अच्छे अच्छे कैशबैक्स के साथ में। यहां पे दोस्तों गूगल पिक्सल है, आईफोन 7 है, आईफोन 7 प्लस वगैरह है। और यहां पे आईफोन 7 पे दोस्तों जो है वो आपको मिल सकता है 54,000 रुपीस का। दोस्तों बहुत ही कम प्राइस है, लेना है तो लेना, लेकिन जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर आपको लेना ही है, अगर आप जेन्युइनली वेट कर रहे थे तो परचेज कर लो, वरना तो भाई आईफोन जब 8 आएगा तब इसको वरना इसको 1+5 जो कि है आधी किडनी वाला आईफोन पेटीएम पे सेल चल रही है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगला अपडेट है वो आता है Asus की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कर दिया एक नए लैपटॉप को जिसका नाम है Asus Vivo Book S। यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन मिलता है वो है नैनो एज स्क्रीन। दोस्तों जो स्क्रीन है उसके अंदर बेजल्स बहुत ही कम है, हालांकि वो कहने को नैनो है। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है अच्छी खासी बेजल्स हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों नॉर्मल अगर आप लैपटॉप से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी बेजल्स हैं। 15.6 का स्क्रीन साइज है, यहाँ पे फुल एचडी डिस्प्ले है, 7th जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर है। मैं इसकी न्यूज सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इसका नाम आता है ना Vivo Book, तो मतलब थोड़ा सुकून मिलता है। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट है वो आता है मोटोरोला की तरफ से। दोस्तों मोटोरोला इंडिया में लॉन्च करने वाला है मोटो E4 प्लस को, जहां पे आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, लेकिन जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का 6737 या फिर शायद ये Snapdragon 427 भी हो सकता है। US में तो 427 है, लेकिन अब इंडिया दोस्तों क्या आएगा वो देखते हैं। यहां पे मोटोरोला क्या लेके आता है हमारे लिए अपनी बैटरी वाला कंप्लीट बड़ा वाला कुछ अच्छा सा स्मार्टफोन। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है YouTube की तरफ से। दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा YouTube के अंदर 180 VR का सपोर्ट, यानी कि दोस्तों कंप्लीट 360 डिग्री का VR नहीं है, वो 180 का VR है, जिससे आपको जो क्लैरिटी है वो अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको भी बार बार अपनी गर्दन पूरी नहीं घुमानी है, बस थोड़ा बहुत घुमाएंगे तो आप एटलीस्ट उस 180 वाले को एंजॉय कर पाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे दोस्तों जो आप जो लोग हैं उस कंटेंट को अगर देखेंगे बिना किसी VR हेडसेट के नॉर्मल अपने कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, तो उनको भी उन स्क्रीन्स पे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ पे YouTube के दोस्तों कुछ और अपडेट्स निकल के आए हैं जहाँ पे मंथली दोस्तों जो यूजर्स हैं वो है 1.5 बिलियन, मतलब दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल के बाद में। तो ऐसे में यूट्यूब पे आप भी कितना सारा टाइम बताते हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में कि आप यूट्यूब पे रोजाना कितनी वीडियोस देखते हो या फिर कितने घंटे आप यूट्यूब पे ऑन एवरेज स्पेंड करते हो। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। बहुत सारे दोस्तों कंपनीज जो है वो इस लिस्ट में लगी है आगे, फेसबुक भी है, SpaceX भी है, सबके साथ प्लान कर रहे हैं कि हम हमारा कंप्लीट जाल बना लें सैटेलाइट्स का, उसके बाद में प्रोवाइड कर दें इंटरनेट को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक कंपनी उसको पहली बार मिल गया है अप्रूवल US में FCC का, वो है दोस्तों वन वेब। और इनका जो प्लान है वो है करीब 720 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके पूरा एक जाल बनाने का, जिसके बाद में किसी भी एरिया में US में एटलीस्ट फिलहाल के लिए रिमोट से रिमोट एरिया के अंदर भी आपको मिल पाएगा इंटरनेट। लेकिन ये कब होगा कैसे होगा देखते हैं, इनका दोस्तों प्लान है वो निकल के आता है करीब 2019 तक इसको कंप्लीट करने का। तो यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एंड्रॉइड ओ के लिए। अगर आप सोच रहे थे इसका नाम होगा ओरियो, ट्विस्ट करो, लिक करो, डिप करो, खा जाओ, तो यहां पे दोस्तों ये नहीं होने वाला है। ये दोस्तों शायद हो सकता है ओटमील कुकी, क्योंकि यहां पे एक बिल्ड में ऐसा पता लगा है कि जो नाम है, जो सोर्स कोड दोस्तों यहां पे देखा गया, वहां पे लिखता है कि ओटमील कुकी। अब ओरियो हो, ओटमील कुकी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमारे फोन में अपडेट आ गए, हमको इतना ही चाहिए होगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है Redmi 4 के लिए। अगर आपको ये फोन अभी तक नहीं मिल पाया बिकॉज भाई जो सेल्स हैं वो ऐसी जाती है, चुटकी बजाती है, फोन हो जाता है खत्म, तो अब दोस्तों ये ऑफलाइन मिलना स्टार्ट हो गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जो प्राइस है वो शायद थोड़ी ज्यादा होगी, कुछ 500 रुपए के आसपास, लेकिन अगर आपको लेना ही है, आपको नहीं मिल पाया है, तो ले सकते हैं जाके ऑफलाइन अब आप Redmi 4 को। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने कर दिया है बड़ा ही कमाल का काम। यहाँ पे दोस्तों अगर आप जाएंगे *1*1# पे, तो अब जो आपको सामने ऑप्शन मिलता है ना फॉर बैलेंस +1, डेटा के लिए 2 दबाओ, इसके लिए 3 दबाओ, जो दोस्तों सामने आता है कंप्लीट मेन्यू, वो आपको अब रीजनल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। यहां पे दोस्तों लिस्ट में सामने जो निकल के आते हैं लैंग्वेजेस वो हैं असमीज, बंगाली, कन्नड़ा, गुजराती, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु,
ये तीर मार दिया एयरटेल ने, हालांकि अच्छा काम किया भाई, अच्छा काम किया इसको मैं जेन्युइनली पसंद कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसे रीजन्स जहाँ पे लोग फॉर एग्जांपल हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में एटलीस्ट देख के पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर चीज़ क्या लिखी है, ऐसा ना हो कि वो कोई गलती से कोई दूसरा प्लान एक्टिवेट कर लें, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन भाई कुछ डेटा की कॉस्ट कम करो तब तो हम और बड़े वाला सल्यूट करें आपको, वरना तो फिर वो 5G 4G 5G जो है आप लगा के रखते हो यहाँ पे जंगल में, रेगिस्तान में, टापू में, नदी में, सब जगह चल रहा है, क्या 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 कहें इसके बारे में। तो दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है व्हाट्सएप की तरफ से, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों अभी व्हाट्सएप में आपको ये ऑप्शन जो है वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो रहा है कुछ यूजर्स को, आगे चल के और बाकी यूजर्स को दोस्तों अपडेट पहुंच जाएगा जहां पे आप किसी भी तरह की कोई भी फाइल जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर पाएंगे, फिर चाहे वो PDF हो, वर्ड हो, APK हो, गाना हो, वीडियो हो, मतलब कुछ भी हो, जो भी दोस्तों फाइल आपके पास में है वो आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर पाएंगे। जो लिमिट दोस्तों ये है फिलहाल के लिए तो 128 MB की है, शायद इसको आगे चल के बढ़ाया जा सकता है या फिर क्या पता दोस्तों, यहाँ पे iOS में अलग होगी, Android में अलग होगी, लेकिन WhatsApp में एटलीस्ट शेयरिंग का फीचर आने से हम सभी को आसानी होगी कि हम जो चाहें, जहां चाहें, जिसके पास चाहें वो इंस्टेंटली भेज सकते हैं, बजाय कि ईमेल में अटैच करो, गूगल ड्राइव पे भेजो। ये WhatsApp का नया अपडेट दोस्तों आने वाला है और कुछ जगह पे तो आ भी गया है। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट है वो आता है कार्बन की तरफ, दोस्तों कार्बन ने लॉन्च कर दिया अपना नया फोन जिसका नाम है Aura Note 2। दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस है वो है 6490 रुपीज, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक AI बेस्ड फैशन ऐप का सपोर्ट, जहाँ पे आप दोस्तों किसी कपड़े की, किसी ड्रेस की फोटो खींच लीजिए, बाद में वो AI की मदद से दोस्तों पैटर्न वगैरह को चेक करने के बाद में वो बता देगा कि भाई आप इसको कहां से खरीद सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। बाकी जो स्पेक्स हैं वो है मीडियोकर, जो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहां पे मिलेगा Snapdragon 835, बिना किसी नाम का क्वाड कोर वाला प्रोसेसर है, 2GB की रैम है, 2900mAh की बैटरी है, 5.5 इंच का 720p वाला स्क्रीन है। अगर आप में है फैशन, अगर आपको चाहिए AI की भाई टी शर्ट देख लो कहाँ मिलेगी, जीन्स देख लो कहाँ मिलेगी, या फिर कोई भी अगर समझ आता है ऐसा कपड़ा, तो जाके ले सकते हो कार्बन का Aura Note 2, बाकी मैं तो क्यों आपको कहूँ लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Amazon की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों Amazon जो है वो बहुत ही कुछ कमाल का प्लान कर रहा है, मतलब ड्रोन डिलीवरी जो थी वो एक चीज है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिटी में कंप्लीट बिल्डिंग दोस्तों बनाने का प्लान चल रहा है यहाँ पे Amazon का, जहाँ पे बस एकदम मधुमक्खी छत्ती दोस्तों जो है वो ड्रोन साइड से फंसे होंगे, वो निकल निकल के जाएंगे बाहर एकदम डिलीवरी करके अपने अपने छत्ते के अंदर आप जाके बैठ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे देखते हैं फोटो के अंदर जो इनका पेटेंट निकल गया है, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो ट्रक्स हैं वो सामान लेके आते हैं एक वेयरहाउस की तरह, उसके बाद में जो ड्रोन्स हैं वो बस वहां से उड़ेंगे 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 बाहर जाके और वापस अपने पास में आ जाएंगे। तो ये काफी कमाल का कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में भाई क्या पता किसने देखा है 2020 2025 2030 में क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आता है वो एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में, और ये अगर हो जाता है ना तो मतलब समझ लो दोस्तों फ्यूचर में मिशन इम्पॉसिबल में जो हम देखते हैं ना कि गले के अंदर चिप लगाया आप कुछ और बोल रहे हैं, वो दोस्तों सच होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा दोस्तों डिवाइस जो है उसके बारे में प्लानिंग चल रही है जहां पे आप कोई दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं अपने खुद की आवाज में आर्टिफिशियली। मतलब भाई आपको फॉर एग्जांपल अभी इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, अब ऐसे में दोस्तों आपको करना है ट्रांसलेट फॉर एग्जांपल जर्मन में, तो आप यहां पे बोलो इंग्लिश, वो जो डिवाइस है वो आगे आपकी आवाज में आगे जर्मन प्रोड्यूस कर देगा ट्रांसलेट करके, मतलब आवाज आपकी अपनी रहने वाली, मतलब ये बहुत ही कमाल की चीज निकल के आती है। यहाँ पे अगर आप किसी से बात करें तो भाई ओरिजिनली आवाज आपकी है, ऐसे में अगर आप कोई डबिंग वगैरह कर रहे हैं तो मतलब एकदम सल्यूट वाली उसमें बात है। अब आगे चल के आप ऐसा डिवाइस पहन के घूमोगे आगे इतना लंबा, वो एक अलग बात है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे Xiaomi जो है वो शायद प्लानिंग कर रहा है अपने किसी 120 इंच वाले प्रोजेक्टर को लॉन्च करने की। अब ये डिवाइस छोटा होगा, बड़ा होगा, किसी और डिवाइस में होगा, स्मार्ट होगा, नॉन स्मार्ट होगा, 3D होगा, नहीं होगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे Xiaomi का जो लाइनअप है वो एक और डिवाइस एड होने के साथ साथ बढ़ने वाला है। बढ़ने से होता क्या है, मिलता तो है नहीं। दोस्तों जो अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है Nokia 3310 लाफे, इसको लाफी बोले, लेफी बोले, लोफी बोले, क्या बोले दोस्तों, यहाँ पे जो फोन है ये दुबई में मिल रहा है 35 दिरहम दोस्तों इसकी करीब जो प्राइस है वो निकल के आती है, और 35 दिरहम का मतलब होता है करीब करीब 600 रुपए के आसपास, और ये दोस्तों फोन है ये नोकिया का 3310 का क्लोन है, यहाँ पे एक लोकल साइट पे मिल रहा है। यहाँ पे तो जो ड्रैगन मार्ट है ना वहाँ पे इतने सारे कॉपी भरे पड़े हैं नोकिया 3310 के, मतलब जाओ और तोल के भाव से आप खरीद करके आ जाओ, चाहे मतलब बिल्कुल एकदम थ्रो अवे प्राइस पे दोस्तों फोन मिलते हैं। तो ये भी एक ऐसे फोन है, और मतलब जब से 3310 आया है तब से इतने 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 कॉपी बन रहे हैं कि मतलब हद की बात ही नहीं है भाई, ऐसा जो कॉपी है वो आज तक किसी फोन का नहीं बना। लेकिन क्या कमाल की बात है कि नोकिया वाले इस फोन की दोस्तों कॉपियां बनती जा रही है, बिकॉज इसकी कॉपी करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, और लोग जो है वो कई बार भूले भटके, कई बार जिनको नहीं मिलता ओरिजिनल वो लेके खुश भी हो रहे हैं। दोस्तों बस यही सारे अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको सलाह सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।